हाय ब्रो, मैं माय फाइनल ईयर में स्टूडेंट। अगले 3 महीने के अंदर मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं, एमबीबीएस के आखिरी और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्स। अगर ये पास कर लिया तो जिस प्रीफिक्स के लिए भगवान से इतनी दुआएं की थी वो ज़िंदगी भर नाम के सामने लग जाएगा। अभी मैं पढ़ाई कर रही थी यार, जस्ट कुछ रैंडम थॉट्स मेरे उसमें आए, बट ये चीज़ आपके ये रैंडम थॉट्स मेरे आपकी प्रिपरेशन के अंदर बहुत पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है ये चीज़ें आपको सिखा सकते हैं। दिल से निकली हुई आवाज़ें हैं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कुछ मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, जस्ट कुछ बातें करना चाहती थी अपने छोटे भाई बहनों के साथ। यार मैं YouTube के ऊपर कंटेंट क्रिएट करती हूँ MBBS के लिए। हर रोज़ 6 से 7 घंटा मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, गाइनी, मतलब सारे जितने भी सब्जेक्ट्स अपने पास हैं उनके अंदर सिलेबस बहुत है। आप एक चीज़ याद करोगे पुराने वाली भूलती जाओगे, तो बहुत रिवीजन, बार बार वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। साथ में मैं जिम करती हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर हर रोज़ आपको रील दिखेगी, सब स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, थंबनेल डालना, सब चीज़ें खुद से करना। हर रोज़ शाम को 1 घंटा मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, उसके लिए पहले मेरे को पढ़ना पड़ता है। आई एम एन एडुकेटर ऑल्सो, आई हैव माई ओन ऐप। मैं हर रोज़ सुबह 6-7 बजे उठती हूँ, हर रोज़ सेम मेरा शेड्यूल होता है, सुबह उठते ही पढ़ाई करना, जिम जाना, क्लासेस जाना, फिर इंस्टाग्राम वगैरह का वापस से सोचना, फिर 1-2-3 घंटे का स्लॉट लगाना, शाम की क्लास से पहले थोड़ा प्रिपेयर करना, शाम की क्लास लेना, और फिर शाम को शांति से आधा 1 घंटा खुद को देके 10-11 बजे तक सो जाना। हर रोज़ मैं उठती हूँ एक रेस में दौड़ने के लिए। पता है मेरे को भी कई बार ना ऐसे फील होता है यार, मैं जो ये कर रही हूँ क्या ये वर्थ इट है। जैसे जैसे अब मेरे एग्ज़ाम आते जा रहे हैं, मेरे को अपने जो स्टडिंग आवर्स हैं वो बढ़ाने पड़ रहे हैं, और अब एक्चुअली मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है। इसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि क्या मैं यूट्यूब 2-3 महीने के लिए ड्रॉप कर दूँ, क्या मैं जो अपना वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ जिम के अंदर, इतना इतना 2 घंटा मेरे को मिनिमम डेडिकेट करना पड़ रहा है, क्या मैं उसको छोड़ दूँ। मुझे जो अपना डाइट का कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, कई बार मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मेरे को कुछ बाहर से खा के ही ना शांति मिलती है। लेकिन अभी सिंस आई एम लूजिंग वेट, आई एम नॉट एबल टू ईट एनीथिंग आउटसाइड, तो मेरा क्रेविंग की वजह से और दिमाग ख़राब होता है और काम करने का मन नहीं होता। बहुत सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो और ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली मुझे अफेक्ट करते हैं, और आप लोगों के साथ भी यही आपकी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी में हो रहा होगा। आपके साथ भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगी, आपका भी किसी ना किसी को, यार ये एज ही ऐसी होती है किसी की तरफ अट्रैक्शन हमको हो जाना, ये एज ही होती है जब हमको फ़ोन से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। कई बार तो आप फोन यूज ना करो, आप यूट्यूब यूज ना करो, आप बस किताब लेके बैठे रहोगे, लेकिन आपके उसके अंदर एक सिंगल शब्द जा नहीं रहा होगा, और ये चीजें सबके साथ होती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। पर क्या नॉर्मल होता है सोचकर हम इनको अपने साथ होने दें? क्योंकि अगर हमने इनको होने दिया तो इस बात की गारंटी है कि सिलेक्शन तो अपना नहीं हो पाएगा। मैंने इतनी चीज़ें अब लाइफ में बैलेंस करना सीख लिया है। आई वॉज नेवर लाइक दैट। अगर मैं हमेशा से ऐसी होती तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 291 मार्क्स नहीं आते। उसके बाद ठीक है, मैंने ड्रॉप करके अपना स्कोर इम्प्रूव किया, 300 नंबर मैंने अपने बढ़ाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एम्स में नहीं जा पाई, बिकॉज आई वॉज स्टिल नॉट दैट कंसिस्टेंट। बीच में मेरा बहुत बार मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। हर रोज़ टाइम के साथ धीरे 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 चीज़ें इम्प्रूव मैंने की। लाइफ में एक चीज़ मैंने सोची है और एक चीज़ मैंने समझी है, सीखी है, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, आपको कुछ भी बड़ा लाइफ में चाहिए, एक बार तो आपको लाइफ में मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम लोग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हो, हर रोज़ कंसिस्टेंट कैसे रहें, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये करने का मन नहीं कर रहा। यार तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा और तुम कितनी ही वीडियोस देख लेना, तुमको कोई हेल्प नहीं कर सकता। यू आर फीलिंग लो, वॉच अ मोटिवेशन वीडियो, यू विल फील गुड, बट अल्टीमेटली जब वो किताब उठा के पढ़ने की बात आएगी ना, तो तुमको खुद से उठा के करना पड़ेगा। हर रोज मुझे भी फील होता है यार कि तेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, लोग यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तेरी जिंदगी क्या है? मेरे को बहुत बार ऐसा फील होता है, लेकिन फिर ऐसे होता है यार,
तो सपने तो इतने बड़े बड़े देख के बैठी है कि मेरे को ऐसे भी करना है, ये भी करना है, ये गाड़ी लेनी है, ऐसा अचीव करना है, और उसके बाद फिर जरा सी मेहनत तुझे करनी पड़ जा रही है, उसमें तू डर के बैठ गई। तू अपनी जिंदगी के लिए 1 साल 5 महीने 4 महीने तू फाइट नहीं मार सकती, कोई मेरे को हेल्प नहीं करेगा। तुमको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा, मेरा कंसिस्टेंट रहने का मन नहीं कर रहा। अरे 5 महीने बचे हैं, सपना तो तुमने इतना बड़ा देख लिया डॉक्टर वाला, रात को 2:30 बजे कॉल आएगी, तुम अपनी नींदें छोड़ के कैसे किसी की जिंदगी बचाने जाओगे जब तुम खुद की जिंदगी बचाने के ऊपर अपना नहीं बचा पा रहे हो। सोच के देखो एक बार सोच के देखो, क्या हर रोज सुबह उठना इतना डिफिकल्ट है? मतलब ये आईज, ये तुम्हारे हाथ, ये तुम्हारी बॉडी, ये तुमको कंट्रोल कर रहे हैं? एक बार सोच के देखना, ये इंस्टाग्राम जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये तुमको इतनी खुशी दे रहा है कि तुमको 5 मई जिस दिन तुम एग्जाम क्लियर करके आओगे वो नहीं दे पाएगा? याद है जिस दिन इस फील्ड में कदम रखा था, सोचा था कि यार अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी और मेरे को डॉक्टर बनना है, सपने देखे थे, हर रोज सोचते हो, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, और मेहनत जिंदगी भर करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। एक बार सोच के देखना, ट्रस्ट मी, तुम लोग जैसे फैमिली से बिलोंग करते हो ना, मैक्सिमम लोगों की फैमिली और मेरी सेम रही होगी, बट मैं जब MBBS में आई मेरी जिंदगी तो चेंज हुई, डेफिनेटली हुई। सराउंडिंग्स चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, MBBS आके डिफिकल्ट है, वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, अरे सब करते हैं काम, यहाँ पे आके रो पिट के जैसे तैसे करके सब मेहनत करते हैं, उसके साथ हो जाती है। मेन जो स्ट्रगल है ना वो तो उसके अंदर घुसने की है। अभी सोच के देखो यार, तुम लोग मेरे साल की फीस 9,000 है, फर्स्ट ईयर में 9,000 दिया, सेकेंड ईयर में 9,000, थर्ड ईयर में 9,000, फाइनल ईयर में 9,000। अगले साल इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, 1 महीने में सैलरी 28,000 है, साल का देखोगे 3-3.5 लाख के आसपास रुपए हो गए। 5.5 साल बाद जब मैं अपनी MBBS करके घर जा रही हूँगी ना, मैं घर से मतलब पैसा लाई नहीं हूँ, मैं लेकर जाऊँगी, 12 रुपये मेरी हॉस्टल की फीस है, डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के अंदर ये, तुम डिसाइड कर लो तुमको क्या करना है। ऐसी लाइफ चाहिए जब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा कोई बर्डन नहीं है। लोग तो ऐसे बोलते हैं बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, पढ़ाई पे भी खर्चा आएगा, अभी तो उस पे भी बचाना है। इंटेलिजेंट बच्चा ना घर पैसे लेकर जाता है, घर वालों के पैसे लगवाता नहीं है, और मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। तुम किसी की भी लाइफ देख लो, रोड पे जो अपने पास पत्थर तोड़ रहे होते हैं क्या वो फ़ोन यूज़ करते हैं? क्या वो हर रोज़ उठ के उनको आना नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस सही टाइम में मेहनत करनी चाहिए थी, उस सही टाइम में जो मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं की। अब उनको रोटी के लिए हर रोज़ उठकर मेहनत करनी पड़ेगी, उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, उनका फ़ोन चलाने का मन नहीं करता, लेकिन पता है यार घर में रोटी नहीं आएगी। एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ सोचो, एक कैब ड्राइवर की लाइफ सोचो, बैठे होगे ना ओला उबर में इतनी बार, फोन चला रहा होता है, किसी से बात कर रहा होता है, उसकी जिंदगी सोचो बेचारे की क्या जिंदगी होगी। और तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो यार, जो रिस्पेक्ट तुमको मिलेगी 70 साल का इंसान, तुम 20-25 साल के इंसान के सामने सर झुका के इज्जत से खड़ा होगा। हॉस्पिटल में घुसते हैं ना हम, एप्रन पहन के अगर घुस जाए, पता चल जाए लोगों को, ऐसे सीधी लाइन बन जाती है, डॉक्टर साहब आ गए डॉक्टर साहब। मुझे इतना अजीब लगता है, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं घर गई, मेरे को कोर्ट में कुछ काम था, पापा ने बोला वो उनके एक फ्रेंड हैं वकील अंकल, उनके पास चले जाना बेटा और उनसे पूछ लेना। जैसे ही मैंने बोला अंकल जी मैं, ओ डॉक्टर साहब कैसे हो, वही लोग जिनको 4 साल पहले मेरा शायद नाम भी याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा, आज वही लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वही लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि एक बार तो लाइफ में ढंग से मेहनत करनी पड़ती है।
और वो तुमको भी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, विल पावर। मैं डेविड गॉगिंस की एक बुक पढ़ती हूँ और उनका मेरे को एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, यू डोंट नो मी सन। जब भी मेरे को ऐसे लगता है ना कि यार आज तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यार आज तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा, तभी मैं ना अंदर से खुद को बोलती हूँ, यू डोंट नो योरसेल्फ, वर्क हार्ड, कर, उठ, देखी जाएगी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। अभी तेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तूने बंद करके पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, क्या बिगड़ जाएगा तेरा, क्या हो रहा है तेरे साथ, तेरे हाथ टूट जाएंगे, तेरे पैर टूट जाएंगे, कितना क्या हो जाएगा यार, माइंड कंट्रोल नहीं हो पा रहा। सोचो, सपने इतने बड़े बड़े ले लिए, डॉक्टर बनना है हमको, अभी ये वीडियो बंद करके एज इट इज 3 घंटे का पढ़ाई का स्लॉट मार के देखो, उसके बाद जो मोटिवेशन तुमको आएगी ना, फिर आके मेरे से बात करना। मोटिवेशन से कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, मोटिवेशन से काम नहीं होगा, काम करके मोटिवेशन आएगी, करके देख लेना, गारंटी है इस बात की, मैं तुमको लिख के दे रही हूँ। मेरे को भी पढ़ना है, मैं भी चलती हूँ, ये वीडियो जस्ट अभी शूट कर रही है, एग्जैक्टली 5:54 हुए हैं, शायद 10-15 मिनट में डल जाएगी, और यूं का यूं 3 घंटा, अगला 2 घंटा मैं पढ़ूंगी, फिर 8 बजे मेरी क्लास है, मैं यूं का यूं 9 बजे उठ के टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करूँगी कि यार मैंने किया, तुम भी इस वीडियो को देखो, बंद करो, पढ़ने बैठो। और हाँ, बातें नहीं हो पाती, अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख के जाना, मैं हो सकता है पर्सनली हर बार रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन तुम मुझसे कनेक्टेड रहो, तुम मेरे को मानो कि हाँ यार मैं देख रही हूँ, अभी कमेंट करके जाना, हाँ हम अगले 3 घंटा पढ़ने बैठ रहे हैं, और अगले 3 घंटे के बाद आके मेरे को बता के जाना मोटिवेशन आई कि नहीं आई, उसी कमेंट के नीचे रिप्लाई। मैं नीचे कमेंट सेक्शन सबके देखूंगी, किसका खुद के ही कमेंट पे 3 घंटे के अंदर अंदर एक और रिप्लाई है। ये करते हैं, जस्ट रैंडम टॉक थी, बस मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब एक अलग ही कनेक्शन रहता है, बिकॉज मैंने भी प्रिपरेशन किया, मेरे को भी पता है उस टाइम में हम बहुत छोटे होते हैं, हम कई बार लाइफ की अपनी सिचुएशंस को, ये चीज़, ये मेहनत मेरे को क्या दे सकती है, वो समझ नहीं पाते। करते हैं यार साथ में मिलके, 3 घंटे बाद मेरे को यहीं पे कमेंट होना चाहिए, किसी भी हालत में, मेरे को दिखाने के लिए मत करो, खुद के लिए कर लो, ठीक है।